बदला कैलाशी देवी का अंदाज। कजरारी आंखें, मदमस्त अदाएं, इनके चाहने वाले इनके दीवाने बन जाएं। क्यों, कैलाशी देवी का ये रूप देखकर आप लोग भी हैरान रह गए ना? ये कैलाशी देवी नहीं, ये है रुक्मणी, कैलाशी देवी की जुड़वा और शातिर बहन। ये जब मुस्कुराती है तो दीवानों की कतार लग जाती है, ये जब अदाओं के साथ थिरकती है तो बिजलियां गिरती है। और अब यही रुक्मणी सीरियल की कहानी में ट्विस्ट लेकर आ रही है। तो आइए करते हैं सुधा चंद्रन से मुलाकात, जो कैलाशी देवी के साथ साथ रुक्मणी का किरदार भी निभा रही हैं, और जानते हैं इनके इस नए अंदाज के बारे में। हाय गाइस, मैं सुधा चंद्रन एक बार फिर आप सबके सामने हूँ। वेल, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं क्या करने जा रही हूँ, तो बता दूँ आज मैं बन गई हूँ रुक्मिणी। कौन रुक्मिणी? अरे वही कैलाशी ठाकुरायन रुक्मिणी बन गई है। अब रुक्मिणी क्या करने जा रही है, ये मैं बोलूँ या आप खुद देखना पसंद करेंगे? तो अगर देखना चाहते हो तो रुकिए रुकिए रुकिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन अभी शुरू होने वाली है। एंड वो क्या क्या होगा और क्या क्या ये रुक्मिणी करने वाली है इस डोरी में, देखते रहिए। हाँ तो भैया, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। एक्चुअली लोग यही सोच रहे होंगे कि कैलाशी ठाकुरायन अब क्या बन रही है। जैसे मैंने आप लोगों से पहले ही कहा कि ये बन गई है रुक्मिणी। अब रुक्मिणी क्या है, किस अंदाज में आपके सामने आएगी, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। क्योंकि अगर आप मेरा मेकअप भी देखोगे ना, तो आप थोड़ा सा मतलब अगर आप देख सकते हो, बहुत अगर आँखों में आप जूम करेंगे तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा हमने वेरिएट किया है। अब अनफिनिश्ड है, बट जब फिनिश होगा तो बहुत कमाल के आइज़ बनेंगे मेरे। एंड वॉट इज़ रुक्मिणी ऑल अबाउट, मैं आपको अभी सिर्फ एक हिंट दूंगी, इससे आप जान जाइएगा। आई थिंक समझदार लोगों को इशारा काफ़ी है, तो सिर्फ ये आप लोगों के लिए। एक्चुअली रुक्मिणी कैलाशी से अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात कहूँ तो लाइट नहीं है, ये ज़्यादा हैवी है। क्योंकि इसमें हैवी मेकअप है, ज्वेलरी हैवी है, ड्रेस हैवी है, सब कुछ हैवी हैवी है, कैरेक्टर बहुत हैवी है। तो जो फॉलो करेगा वो भी बहुत हैवी होगा। अब वो हैवी क्या है ये मैं अभी नहीं रिवील करूँगी, क्योंकि अगर मैंने सब कुछ अभी बोल दिया तो फिर आप क्या देखोगे। तो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड, बिकॉज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने जा रहा है।
कैलाशी देवी और रुक्मणी दोनों के ही लुक में बहुत अंतर है। एक माथे पर कुमकुम सजाती है तो दूसरी चमकीली बिंदिया लगाती है। एक का अंदाज शाही है तो दूसरे के मिजाज है कातिलाना। इसीलिए तो मेकअप शेकअप कर रुक्मणी अपने हुस्न से बिजलियां गिराने की तैयारी कर रही हैं। पर फिर वो ही स्टेज वाली फीलिंग आ गई है। हाँ, मुझे बेहद खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि डांसर होने के बावजूद भी मैंने कभी डांस किया ही नहीं, ना सीरियल्स में ना फिल्मों में। तो जब ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कई सालों का सपना साकार होने जा रहा है। डांसर हूँ तो डांस से मुझे कोई दूर रख नहीं सकता। अब मैं प्रैक्टिस कर रही थी मास्टर के साथ तो वापस मैं चली गई अपने स्टेज परफॉर्मेंसेस में। तो मेरे लिए ये बेहद खुशी की बात है क्योंकि बस अब मैं यू गई और यू आई और ये पहन के आपके सामने हाजिर हो जाऊँगी एक नए अंदाज में। अच्छा, कितना जैसे कहते हैं ना कि परफॉर्मेंस के पहले भी एक धक-धक होती है, तो आज भी होती है सुधा जी के मन में धक-धक? धक-धक है, बटरफ्लाइज इन द स्टमक है। क्योंकि क्या होता है जब आप डांसर होते हो ना तो बहुत एक्सपेक्टेशंस होते हैं। अरे सुधा जी ये डांस तो यू करके जाएगी, बात वो नहीं है। यू करके जाना और परफेक्शन के साथ करना और जो मास्टर जी कोरियोग्राफ कर रहे हैं उसके हिसाब से करना वो बेहद ज़रूरी है। बस हर इवेंट के पहले या जब मैं डांस करती हूँ तो आई रिमेंबर माई पेरेंट्स एंड माई गुरु जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ हूँ, उनकी ये मेहनत है। और सीधी आयरनी, आज मैं डांस करने जा रही हूँ और जब मैंने कपड़े निकाले आज सवेरे आने के लिए तो जो कुर्ता मेरे हाथ में आया वो मेरे पापा का है। मतलब ये मैंने एज बहुत स्ट्रॉन्ग रिमेंबरेंस, फॉन्ड रिमेंबरेंसेज मैंने रखा है। बट शायद दे से ना, जब आप कुछ मांगते हो तो यूनिवर्स मैनिफेस्ट इट, तो शायद ये आशीर्वाद मुझे मिल गया है। तो टुडे आई गोना रॉक। ठीक है, तो मिलते हैं फिर रुक्मणी से। यस, रेडी हो जाइए क्योंकि रुक्मणी आ रही है एक नए अंदाज में। लीजिए, सुधा चंद्रन अपने रुक्मणी के किरदार में ढलकर तैयार हैं। हथेलियों में आलता, कानों में चांद बाली, माथे पर पासा और ओढ़ ली है जगमगाती चुनरिया। और अब जैसे ही उठेगा घूंघट तो गिरेंगी बिजुरिया।
पेशे खिदमत है। आदाब, ये है रुक्मिणी अपने असली रूप में। असली रूप इसलिए क्योंकि कहानी तो हम नहीं बताएंगे। एक बार आप खुद हमारे साथ चलिए और देखिए हमारे जुगनू मंजिल की जो नज़ाकत है, वहाँ क्या हो रहा है और हम वहाँ क्यों और कैसे पहुँचे और हम वहाँ जाकर क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। और उस कहानी के बारे में इस वक्त हम कुछ डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस वक्त आप सिर्फ मेरा ये रूप देखकर आप बहुत ही एक्साइटेड हो रहे होंगे, बहुत क्यूरियस हो रहे होंगे ये जानने के लिए कि भाई ये कैलाशी ठाकुरन रुक्मिणी इन कपड़ों में भैया क्यों। हर क्यों का जवाब मिलेगा, थोड़ा सा तो सब्र कीजिए। हम ज़रूर आपके लुक के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि इतना जैसे कि किरदार के साथ साथ लुक भी हैवी हो गया है जी, तो और हैवी हो गया है कहेंगे। मैं मौका नहीं छोड़ती, मेरी प्रॉब्लम वो है, जैसे लोग कहते हैं कि ओवर एक्टिंग की दुकान है, मैं ओवर ड्रेसिंग की भी दुकान हूँ। बस मौका मिलना चाहिए कि भैया आप ये लुक में हो, बस मेरे सारे घर में गई कल रात भर, सब निकाल 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 के चलो ये करते हैं वो करते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि जब आप कुछ सजेशंस देते हो ना, तो प्रोडक्शन हाउस उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। एंड सी वी आर ऑल वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो खूबसूरत लगे, जो प्रेजेंटेबल लगे, जो ऑथेंटिक लगे। बिकॉज मेरा यही मानना है कि जब आप कोई किरदार कर रहे हो या कोई एक कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो, तो उसके जो इसेंशियल्स है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो लुक के जो डिटेल्स है वो बता दीजिए, क्या क्या पहना है आपने? मांग टीका से स्टार्ट करेंगे, पासा से स्टार्ट करें। ये बोलो क्या नहीं पहना है मेरी माँ, यहाँ पर देखो ये जो गहने हमने पहने हैं, ये दो थे और इसको हमने ज्वाइन करके पहना है। एंड देन माथे की बिंदी तो है ही, उसके बाद ये जो हम चापा बोलते हैं, जो हर मुजरे में तो होता ही होता है, और फिर ये जो बैंगल्स हैं हमने कोऑर्डिनेट किया है। एंड देन ये जो डायमंड्स है, मैं छोड़ती नहीं हूँ, एक डायमंड अभी फ़िलहाल गिर गया है बट मैं पूरा करके जाऊँगी, आलता इम्पॉर्टेंट है। घुंघरू भी होंगे, घुंघरू पहनने के बाद छम छम करती हुई रुक्मिणी जाएगी वहाँ और छम छम करती हुई डांस करेगी। तो एक जो है खास सास बहू बेटिया के लिए एक अदा तो आपकी बनती ही है, तो दिल चीज़ क्या है? दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा का, बस एक बार मेरा का मान लीजिए, बस एक बार। आप कितनी बार, चलिए तो सही। एक्चुअली आज मैं जो गाना परफॉर्म करने जा रही हूँ, मतलब इट्स ऑल माई ऑल टाइम फेवरेट, मोहे रंग दो लाल, मतलब इट्स एन आइकॉनिक सॉन्ग। डर भी लग रहा है, एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि मौका मिला है और जब मौका मिलता है तो सुधा चंद्रन चौका मार ही लेती है।
वैसे बता दें कि आज सीरियल डोरी में फिल्माया जा रहा है फ्लैशबैक वाला सीन, वो भी रुक्मणी का। शुरुआती दौर से जो कैलाशी देवी दिखाई जा रही है वो कैलाशी देवी नहीं बल्कि रुक्मणी ही है, और इसी रुक्मणी ने अतीत में कैलाशी देवी के साथ धोखा किया है। तो अब देखना होगा कि रुक्मणी की ये धोखे की कहानी क्या डोरी ही सभी के सामने लेकर आएगी, और क्या कैलाशी देवी फिर से वापसी करेंगी। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।